Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल. राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. वेलकम राजीव. धन्यवाद सोनू. आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख. Key domestic stocks climb more than 1%, subsiding negative global cues. Sensex closes at 36,472. Nifty settles at 10,740. And Asian indices plunge amid worse than expected drop in Chinese retail sales and increasing COVID-19 cases worldwide. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 1% से अधिक की बढ़त में. सेंसेक्स 36,472 पर और निफ्टी 10,740 पर हुए बंद. और चीन की खुदरा बिक्री में अनुमान से अधिक गिरावट और विश्व भर में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच एशियाई शेयर बाजार लुढ़के. घरेलू शेयर बाजारों में आज इन्फोसिस में बढ़त की अगुवाई में 1% से अधिक तेजी दर्ज हुई. हालांकि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली का दबाव था. भारी उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.16% की तेजी से 420 अंक बढ़कर 36,472 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.15% की वृद्धि से 122 अंक बढ़कर 10,740 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कम अच्छा रहा. मिड कैप सूचकांक में 0.71% की वृद्धि दर्ज हुई लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक 0.13% के नुकसान पर बंद हुआ. एक्विटी बेंचमार्क टुडे रैलीड मोर देन 1% led by gains in Infosys, even as global markets faced selling pressure amid spiking coronavirus cases. After a highly volatile session, the 30-share BSE Sensex settled 420 points, or 1.16% higher at 36,472. Similarly, the NSE Nifty surged 122 points, or 1.15% to 10,740. In broader market at BSE, the mid-cap also added 0.71%, while the small-cap logged loss of 0.13%. Infosys rallied around 10% after the IT major posted a stronger-than-expected 12.4% rise in the first quarter consolidated net profit to 4,272 crore rupees, helped by large deals. Infosys predicted that its revenue for current financial year is likely to grow by up to 2%. M&M, Nestle India, IndusInd Bank, Kotak Bank, HCL Tech and Axis Bank were the other gainers. On the other hand, Tech Mahindra, ITC, NPTC, Power Grid, Titan and ONGC finished with losses. According to traders, rally in IT stocks led by Infosys kept investors' sentiment positive, but massive sell-off in Chinese stocks and current concerns over recovery amid rising COVID-19 cases induced volatility in the session. Bosses in Shanghai plunged 4.5% as investors seemed disappointed with the pace of economic recovery.
Chinese National Bureau of Statistics earlier in the day said that China's gross domestic product, GDP, expanded only 3.2% year-on-year in the second quarter of this year. राजीव, आज हमने जो सेंसेक्स में तेजी देखी है, 1% से अधिक का उछाल आया है दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में. बावजूद इसके, जैसा हमारी हेडलाइन कह रही है कि एशियाई बाजारों में बहुत ही तीव्र गिरावट थी, कैसे देखते हैं आप अभी हमारे घरेलू शेयर बाजार की स्थिति को? कौन से फैक्टर्स हैं जो समर्थन दे रहे हैं? आज वोलेटिलिटी का रीजन था और उसके बाद अगर आप देखें, जो जैसा कि आपने अपनी हेडलाइन में पढ़ा कि इन्फोसिस जो मान थे मार्जिन. राजीव, आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, कि आप थोड़ा सा अपना अगर स्थान चेंज कर सकें जहां पे कनेक्टिविटी बेटर हो. अब आ रही है आपको? जी, अब बेटर है. तो पहला कारण जो था, जो आज की तेजी का और वॉलिटिलिटी का, वो ये था कि एक तो आज वीकली ऑप्शंस जो है निफ्टी के, उनकी एक्सपायरी थी और उस दिन में नॉर्मली देखा जाता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है. सेकंड जो रीजन था वो था इन्फोसिस के जो नतीजे आए, जिसकी वजह से करीब वो 10% ऊपर खुला और वो इंडेक्स हैवी वेट है. इट लेड टू अ काइंड ऑफ अ स्टॉक कवरिंग. जहां तक आपका कथन है कि जो क्या सपोर्ट कर रहा है, कि देखिए ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे एंड जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, तो अब 2021 के अर्निंग्स ये बाजार मान चुका है कि बहुत अच्छी नहीं आएंगी, लेकिन नाउ मार्केट इज प्रॉब्ली फोकसिंग ऑन नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल अर्निंग्स. ऑल्सो सम ऑफ द सेक्टर्स have seen better than expected recovery in terms of number once the lockdown started lifting. So these are all the things which have been kind of supporting the movement of Nifty in upward direction. Plus also if you look at it, ek bada stock jiski kafi weightage in Nifty mein, Reliance, it has done very well in last few months and that has contributed majorly to the upward movement of the index. Rajiv, in such an uncertain environment, IT is one sector where there is some sense of visibility in the top line and bottom lines for the investors. Do you think this tech upside may get over soon, or what is your take on the overall IT sector going forward? Well, see, what has happened is that IT sector, one, is the sector where the impact of COVID has been the least in terms of the fact that the working from home has helped the companies to, you know, meet their targets. And given the fact that, you know, over in next one or two quarters, the disruption is going to be still minimum, the probability is that we might see more money flowing into IT sector, because in IT sector, if you look at the average valuation, they are not very high. I mean, it's not a period of what it used to be from 20 years back when they used to get, you know, multiples of hundreds. Right now, the average price earning multiple or valuation, if you look at it, is anywhere between higher two digits, or maybe in some cases even still below what Nifty gets. So to that extent, I think there is a scope for further expansion in IT sector, both because of the fact that earnings are going to be least impacted and valuations are still reasonable. Okay. राजीव, हालांकि हम इंडिविजुअल कंपनीज को नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, बट जैसा आपने अभी कहा कि रिलायंस जियो को जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है, सो अराउंड 4.5 बिलियन डॉलर्स की बात की है गूगल ने, और भी उनको 6-7 अलग इन्वेस्टर्स से पैसा आया है, सो मच सो कि उनका जो डेट है वो भी अब क्लियर हो गया है, दे हैव गॉट मच मोर मनी. सो और जो उनके जो ज्वाइंट प्लान्स हैं अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स के, ये आपको लगता है कि पूरी इकोनॉमी के लिए 5G का जो उनका प्लान है, अपना इंडिजिनस 5G लॉन्च करने का, ये सारी चीजें भी एक बाजार के जो सेंटिमेंट है उसको समर्थन देती हैं? देखिए, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को समर्थन देती हैं, जो कि रिलायंस को दिया है, जिसकी वजह से, बिकॉज इंडेक्स हैवी वेट है
तो उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट ऊपर जाता है और तो सेंटिमेंट काइंड ऑफ मेंटेन रहता है. बट आई डोंट थिंक के वन सिंगल कंपनी दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज यू सेड. Okay, Rajiv, going forward, we all know that the pandemic has depressed the domestic demand, with India reporting a trade surplus for the first time in more than 18 years for June, as the imports of crude oil, gold and other industrial products plunged. So does this reflect of a further slowing down of the economy, or will it have any more repercussions on what it already has afflicted on the economy? Well, of course, it's a technical reason because of which this has happened. Yeah. But I don't think so that will continue for a very long period of time. Okay. I mean, see, at this point of time, all macro numbers or micro numbers don't mean anything in the sense that it's an abnormal situation which we are witnessing right now. So maybe for another quarter, we might see this kind of situation. But I think this is not a normal thing which we'll see continuing over quarter on quarter for a longer period of time. You mentioned Rajiv, the macro and microeconomic conditions of the market, and we all know that it must move upward. But for it to happen, I think the Prime Minister is also meeting the secretaries and other ministers and the officials of the Government of India to take stock of how to revive the economy further today at this point of time as we are talking. So what do you think this Economic Advisory Council will come up with, and what should, according to you, be done to further give a boost to the economy? In my opinion, the fact is that the opening of the lockdown was the biggest push which economy could get. Yeah. Now, we see there is some partial lockdown taking place in areas which are witnessing spike in these cases. But I think beyond a point, whether it's government or anyone, they cannot do much because, government can't force people to move out of the houses and start spending money. I mean, that is what economy requires to kind of restart the growth. And that probably will happen with confidence once the vaccine is there. So to me, I think some of the regulatory forbearance, giving push to some sector, that has already been done by the government. Now one has to see when the vaccine emerges and when we see people moving out with confidence, okay, now they can move the house without the fear of getting this COVID-19. And then consumption will resume much faster. I think the consumer demand to arrest the falling consumer demand would be high on the agenda of the Prime Minister. Well, that of course would be on the agenda, I'm sure, and the government would be looking at it. But the question is that without pushing much the fiscal envelope, how do you do it? बट राजीव, कुछ ग्रीन फ्रूट्स दिखने शुरू हो गए हैं. ऑटो इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो 85-90% ऑफ प्री कोविड लेवल्स तक ऑलरेडी पहुंच गई है. इनफैक्ट प्रोडक्शन कई कंपनीज ने सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट शुरू किया है ताकि इस डिमांड को वो मीट कर पाए. सो आपको लगता है कि शायद सेप्टेम्बर तक हम आशा कर सकते हैं कि सिचुएशन में और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा डिमांड में और सप्लाई में? लगता है कि सितंबर तक आई थिंक दैट थिंग्स वुड बी बेटर. आपने ऑटो की बात कर, सीमेंट नंबर्स भी देखें, जो टीयर टू और थ्री सिटीज में जो कंपनीज इनका प्रेजेंस है, दे हैव ऑल्सो क्लियरली सेड के डिमांड जो है वो उनकी ऑल ऑफ सडन स्पर्ट हुआ है. बट वो जो पेंटअप डिमांड थी उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड में कितनी डिमांड बनती है, दैट हैज टू बी सीन. और एक जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आज हमने जो तेजी देखी है बाजार में, जैसा आपने कहा कि वो इंफोसिस के जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके बल पर मेनली हमने बाजार में आज उछाल देखा है. सो
बाकी सेक्टर्स जो हैं हमारी इकोनॉमी के अपार्ट फ्रॉम आईटी, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके रिजल्ट्स आप थोड़े बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कहां पे आपको बहुत ही शायद डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स की का अनुमान है जिससे बाजार को एक डाउनवर्ड पुश मिल सकता है? देखिए, जहां तक बेटर देन एक्सपेक्टेड है प्रॉब्ली वो एफएमसीजी होंगे, और एक सेगमेंट फाइनेंशियल सेक्टर की जो इंश्योरेंस है वो होगा, जहां पे लगता है कि प्रेशर रहेगा, और वो रहेंगे फाइनेंशियल स्पेस में बैंक एंड एनबीएफसी। वो दो सेक्टर है जहां पे जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा रहा है, और आने वाले दो बिकॉज भी मॉरेटोरियम है इसकी वजह से थोड़ा सा इशू रहेगा फाइनेंशियल्स में इन पीएसयू बैंक और एनबीएफसी में। और ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस रहेगी अभी इन्वेस्टर्स के लिए बाजार में ये अनसर्टन कोविड टाइम्स में? देखिए, एसआईपी जो के थ्रू जो इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले रहे हैं वो मेरा हमेशा मानना है कि वो हमेशा कंटिन्यू रखें, सो दैट इज वन वे टू टेक एक्सपोजर थ्रू द मार्केट। दी अदर वे इज के जब आप शेयर ले तो आप ये देखें, आप शेयर नहीं लेते, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। तो जो बिजनेसेस लार्ज कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है वो इस क्राइसिस को झेल पाएंगी आराम से। कंपनीज जिसमें डेट ना हो, डेट कम हो, वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कंपनीज है वो जो कि उसमें आप एक निवेश कर सकते हैं दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये छोटे और बहुत स्मॉल कैप्स और पेनी कैप्स जो है उनमें बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें। डोंट अज्यूम दैट प्राइस इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द बैड न्यूज विच इज गोइंग टू कम इन कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके राजीव, वी ऑल्सो रेड अबाउट चाइना रिकॉर्डिंग 3.2% एक्सपेंशन, and this was a dramatic improvement over China's 6.8% contraction, which in fact was the worst performance since mid-1960s. This surely brings a ray of hope for the rest of us, don't you think? See, I'm not a great fan of numbers coming in from China. Okay. I mean, they have a history of telling wrong numbers to the world. I mean, in fact, if you look at it, at a time when even in pre-phases, you know, in 2008 after global financial crisis happened, they pumped in so much of money and were able to kind of, you know, manipulate their numbers. So I don't think so. It's numbers, whether it's retail numbers, of course those numbers were below expectations. But the fact is that those numbers are not reliable. I would rather depend on the prices of commodities or other micro or flash numbers which come out of US, because at least you can rely on those numbers are correct. I don't think so those Chinese numbers is going to are a major thing which global market looks at. राजीव, अभी आप मैक्रो नंबर्स की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि अभी जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं वो एक बहुत ही अद्भुत स्थिति में आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनपे बहुत ज्यादा यू नो वी कांट ड्वेल ऑन देम। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको आरबीआई बहुत ध्यान से देखती है अपने डिसीजन लेने के लिए, और वो 6.1% आया है जून के लिए। सो अब ग्रोथ को भी बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। क्या लगता है आपको आरबीआई के लिए जो एक डिलेमा है वो ज्यादा यू नो मुश्किल हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स में और कटौती करे या ना करे? इंटरेस्ट रेट में कटौती करना मुश्किल है इस टाइम पे, बट व्हाट आरबीआई इज लुकिंग फॉर प्रॉब्ली के जो बैंक्स हैं वो थोड़ा बहुत पास ऑन और कर दें, बट प्रॉब्ली बिकॉज आरबीआई नोज कि ज्यादा आज के डेट में बैंक्स को कैपिटल की जरूरत है और दे डोंट वांट टू पुश बैंक टू द वॉल के वो करें, सो दैट माइट टेक सम प्रोसेस शो टाइम। तो आई मेरी ओपिनियन में वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम आरबीआई इन टर्म्स ऑफ एनी रेट कट और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस पैकेज और एनी ऑफ दोज साइड्स।
राजीव, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जुड़ी चिंताओं और इस कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में फिर लॉकडाउन लागू किए जाने के डरों के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट आ गई। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव से निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ह्यूवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड जैसी चीनी कंपनियों पर वीजा नियंत्रण लगा देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां मानव अधिकारों का उल्लंघन करने में सहायक हैं। दूसरी तरफ चीन ने दूसरी तिमाही में वृद्धि के आशा से बेहतर आंकड़ों की सूचना दी, लेकिन जून में खुदरा बिक्री में अनुमान से अधिक गिरावट के चलते एशियाई बाजार लुढ़क गए। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 4.5% की तीव्र गिरावट आई। हांगकांग का हैंगसेंग 2% गिरकर बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1% के नुकसान में रहा। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.8% के नुकसान में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 0.4% के नुकसान में था। फ्रांस का कैक 0.7% की गिरावट पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.6% की मंदी चल रही थी। यूएस स्टॉक्स क्लाइम्ड यस्टरडे आफ्टर द एस&पी 500 अप्रोचिंग इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 4 मंथ्स आफ्टर प्रॉमिसिंग अर्ली डेटा फॉर अ पोटेंशियल कोविड-19 vaccine and a strong quarterly report from a few big companies. Moderna Inc. surged more than 9% after a study report showing that its experimental COVID-19 vaccine produced high levels of virus-killing antibodies. The Dow Jones and the S&P 500 both gained around 0.9% and the Nasdaq Composite advanced 0.6%. राजीव, वैक्सीन पर प्रोग्रेस होती दिख रही है, काफी इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री रहती है, कोई और हर्डल नहीं आती, तो शायद वो बाजार के सेंटिमेंट्स के लिए, सारे बाजारों के सेंटिमेंट्स के लिए बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा? आई थिंक अब जो नेक्स्ट एक राउंड तो जो वैक्सीन की होप ले लाना था वो हो चुका है। नेक्स्ट आई थिंक वंस देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट वैक्सीन इज गोइंग टू बी मार्केट वेरी सून ऑन phase 3 रिजल्ट जो है ट्रायल कंपनीज जो कर रही है AstraZeneca या मॉडर्ना, जब ये वापस आएंगे प्रॉब्ली देन आई थिंक मार्केट विल सी अनदर राउंड ऑफ अप मूव इन एक्चुअल टर्म्स। बट गिवन द फैक्ट कि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, इतना ज्यादा सेंट्रल बैंक ने पैसा पंप इन कर दिया है, आई थिंक प्रॉब्ली मार्केट का जो बायस है वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी विल रिमेन टुवर्ड्स बुल। ओके, सो सिंस यू मेंशनड इट क्वाइट मेनी टाइम्स इन टुडेज प्रोग्राम अबाउट टू मच लिक्विडिटी हैपनिंग इन द मार्केट बोथ इन इंडिया एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, वुड यू थ्रो सम लाइट ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टू मच ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट्स? We are short on time, so if you could just, you know, edit that out. Well, in short term, by pumping in money, the central banks are making sure that there is no kind, there is no kind of panic selling in assets. The problem is once this bubble gets formed and the divergence between the real economic numbers and market becomes so high, so it always happens. There is a sudden compression which happens. So it's a liquid driven bubble. Let's see till when it goes on and how much time does it take for the real economic numbers kind of to, you know, push this up and come closer to the valuation parts of it. आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंताओं के बीच डॉलर में आई मजबूती के चलते रुपया 3 पैसे की गिरावट से 75.18 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपए के कारोबार का दायरा सीमित रहा। मजबूत डॉलर, विदेशी फंडों का भारतीय बाजार से बाहर प्रवाह और कोविड-19 के बढ़ते मामलों से रुपए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती से रुपए को समर्थन मिला और रुपए में गिरावट नियंत्रित हो गई। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। वर्ष 2030 तक विश्व के पहले सबसे बड़े स्वच्छ रेलवे होने पर हर भारतीय को गर्व होगा। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित
आत्मनिर्भर भारत, अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा को बढ़ावा दिया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण के क्षेत्र में फायदा होगा जो आर्थिक रूप से भी देश के लिए लाभदायक है। The Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan invited the US companies and lenders to invest in India to seize the huge opportunity in India's growth story. He said India will see an investment of over $118 billion in oil and gas exploration in the next 5 years. Mr. Pradhan, along with the U.S. Secretary of Energy, Dan Brulette, co-chaired industry-level interaction yesterday organized by the U.S.-India Business Council. The minister also separately chaired an industry-level interaction organized by the U.S.-India Strategic Energy Partnership. The minister said during these challenging times, India and the U.S. have been working in close collaboration in dealing with COVID-19 and stabilizing global energy markets. Would you like to throw some light on the strategic energy partnership that India is forging with the U.S.? Rajesh. In short term, probably all these things are, one can only say positive because it reduces our dependence on one particular country or one particular region. But in long term, probably from 10 or 15 years down the line, I think once the electric mobility comes in, probably Indian economy is one of the biggest, will be the biggest gainer. It's not today, but I'm talking about 10, 15 years down the line. Okay, moving on. The oil prices today fell after OPEC and other producers, including Russia, agreed to ease record supply curbs from August, though the drop was cushioned by tightening global inventories as economic activity picks up. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.40 per barrel, while WTI crude prices were around $40.70 per barrel. Rajiv, तेल की जो कीमतें हैं, कच्चे तेल की, वो हमारे फिस्कल पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो रेंज हम देख रहे हैं 40 to 45, ये लंबे समय तक बना रहेगा? नहीं, इसमें एक स्पाइक आएगा, वन की रिकवरी का तो आएगा प्रॉब्ली। आई थिंक इस पर मूव द रेंज पर मूव बिटवीन 45-50 बीइंग द लोअर एंड 65 बीइंग द हायर एंड ऑफ ऑयल ऑफ दिस रेंज। सो आपको लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑल्टरनेटिव है जिसे हमें एक्सप्लोर करना जरूरी है? बिल्कुल, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बिकम अ ड्राइवर। जी, अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। कमजोर वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 32 रुपए सस्ता होकर 49,986 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 124 रुपए की गिरावट से 53,810 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,805 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी बदलाव के $19.14 प्रति आउंस पर थी। सोने के मूल्य में गिरावट वैक्सीन की आशा के बल पर आई। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव के चलते मूल्य $1,800 प्रति आउंस के ऊपर ही बने रहे। राजीव, गोल्ड प्राइसेस टुडे डिक्लाइन बाय 32 रुपीज, बट वेयर डू यू सी दैट द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग? आर दे गोइंग टू टॉप 50? ऑलरेडी क्रॉस्ड 50 वंस। आई थिंक 30 सेकंड्स फ्रॉम गिवन द ग्लोबल लिक्विडिटी, दे प्रोबब्ली आर वन एट टारगेट टू वेल इन 6 to 8 मंथ्स। सो आपको लगता है कि सेफ हेवन के रूप में उनका आकर्षण बना रहेगा सोने में निवेश का? कुछ टाइम तक तो बना रहेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न एक पॉइंट के बाद वो उसी रेंज में रहता है, तो प्रॉब्लम 6 महीने या साल भर आप कह सकते हैं कि दिस विल ट्रेंड विल कंटिन्यू टू सेफ हेवन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाइंग इटसेल्फ वुड प्रॉब्ली नॉट यील्ड यू वेरी ग्रेट रिटर्न ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू राजीव। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, की डोमेस्टिक स्टॉक्स क्लाइम मोर देन 1%, सबसाइडिंग नेगेटिव ग्लोबल क्यूज।
Sensex closes at 36,472 and Nifty settles at 10,740, and Asian indices plunge amid worse than expected drop in Chinese retail sales and increasing COVID-19 cases worldwide. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.